No. Down, yeah. Okay. Batao, kaun kaun? You full group. Okay. Right here. Hi guys. Hi Rakesh. श्रीनिवास की क्वेश्चन आप दोनों पूछ रहे हैं ओके राकेश और यस ये कैमरा है ना ओह माय गॉड ओह माय गॉड एक सेकंड डरा क्यों रहे यार तुम जा स्टार्ट यस या ओके साइलेंस ओके सबसे पहले तो लोगों ने लव स्टोरी बहुत सारी देखी है लेकिन इस लव स्टोरी में ऐसी कुछ बात है जो लोगों पे मैजिक कर दिया है जैसे कि ट्रेलर से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले ही होंगे तो थोड़ा सा बताइए जब आपके पास ये फिल्म आई आप लोगों ने क्या सोचा सो बेसिकली जब मेरे पास ये फिल्म आई मैंने संजय सर को असिस्ट भी किया था तो मुझे एक समझ थी कि संजय लीला भंसाली के पिक्चर में क्या क्या चीज़ें क्या क्या एलिमेंट्स क्या क्या कितनी मेहनत जाती है एंड जब मैंने मंगेश सर की भी दो पिक्चरें देखी थी उनसे मिलने से पहले जो थी टिंगिया और देख इंडियन सर्कस तो आप सब अगर आप मंगेश सर की पहली जो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है एंड मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो नेशनल अवार्ड जीते क्योंकि मंगेश सर में एक काबिलियत है जहाँ पे वो इमोशन को उनकी इमोशन की बहुत गहरी समझ है बट उन दोनों पिक्चर में मैंने लाइक दो लड़के एक लड़का लड़की के बीच में प्यार नहीं देखा उनकी पहली पिक्चर में एक बैल गाय एक गाय और एक बच्चे के बीच में वो दोनों लीड एक्टर्स हैं उस पिक्चर के और सेकंड पिक्चर में सोशल कॉजेज को लाइक सोशल इश्यूज को एड्रेस किया गया है बट फिर भी एक इमोशनल तरीके में तो जब मैंने पहली बार मलाल की स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा था कि मंगेश सर का कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन इमोशनल कनेक्ट और संजय सर का जो स्केल है और जो संजय लीला भंसाली का जो नुआंस है वो इस स्क्रिप्ट में कैसे बैठेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर स्क्रिप्ट वापस जाती है अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइक देयर एक एक एसेंस एक एलिमेंट रह जाता है अपने प्रोडक्शन हाउस की उस स्क्रिप्ट में उस पिक्चर में तो वो हम संजय सर से क्या लेंगे और मंगेश सर कैसे ट्रीट करेंगे एक लव स्टोरी बिटवीन एक लड़का और एक लड़की एक एडोलेसेंट लव स्टोरी जिसमें टेंशन है जिसमें प्यार है जिसमें पागलपन है वो इमोशन कैसे बयां करेंगे बट होपफुली आप लोग को ये स्क्रीन पे देखेगा और इसी वजह से मैंने मलाल चुना क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये बच्चा क्या निकलेगा संजय सर और मंगेश सर का आई थिंक मैंने मलाल चुनी नहीं it came to me or you know it came to me also but like I liked it because of this yeah no I liked it because I started liking it aisa kabhi nahi hua ki mujhe kyunki pehle hame pata hi nahi tha ye film kis bare mein hai aur hum sirf mangesh sir se mile the aur pata tha sirf ye pata tha ki ye director hai aur fir unke sath dheere dheere waqt bitana shuru kiya and unko ek human level par samajhna shuru kiya aur unhone hame and उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमें अपने कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया और वो कैरेक्टर जो था जो मेरा कैरेक्टर मुझे उससे लगाव हो गया यू नो जिस तरीके से जो एटीट्यूड है उसका जो चीज़ें करने का तरीका है यू नो उससे एक्चुअली मुझे काफ़ी प्यार हो गया एंड मुझे पता था ये बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए और ये फिल्म एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होगी हमारे लिए इस आई थिंक और ये चैलेंज लेने के लिए मुझे आई डोंट नो संजय सर ने मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि ट्रस्ट मी ये फिल्म जो है ना एज अ डेब्यू फिल्म बहुत अच्छी है और तुम्हें ये करनी चाहिए और ये जो डायरेक्टर हैं मंगेश सर ये बहुत 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 ही यू नो टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो तुम बाद में समझोगे अभी नहीं समझोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हुआ बिकॉज जैसे ही हमने यू नो वक्त बिताना शुरू किया मंगेश सर के साथ और उनके साथ काम करना शुरू किया तब हमें उनकी अहमियत और ये फिल्म की अहमियत समझ में आई और आज जब हम वापस देखते हैं ना कि क्या एक्चुअली उनका जो विजन रहा है मलाल के साथ यू नो आई एम सो हैप्पी और मुझे एक्चुअली कोई इस बात का मलाल बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये फिल्म की और यू नो शार्मी के साथ काम किया मंगेश सर के साथ काम किया एंड आई एम सो हैप्पी कि हमें ये मौका मिला और ये जिम्मेदारी सौंपी गई बिकॉज एक यू नो उनका भी भरोसा था हमें कि हम ये कर पाएंगे और हमें भी एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगा तो आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी सो थैंक यू एंड आई नो क्योंकि यू नो मैंने देखा है काफ़ी पिक्चर काफ़ी देखी है एंड आई नो दैट यू नो जब लोग जाके फिल्म देखेंगे तो ये किरदार जो हैं उन्हें डेफिनेटली उनके दिल को छू जाएंगे और उनको बहुत बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर संजय लीला भंसाली को हम लव स्टोरीज के लिए जानते हैं बहुत सालों से वो लव स्टोरी बनाते हैं लेकिन अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं आप दोनों की फेवरेट फिल्म कौन सी है अगर लव स्टोरी की बात करें संजय लीला लव स्टोरी की बात आई थिंक ऑनेस्टली बाजीराव मस्तानी बट
नॉट बाजीराव एंड मस्तानी एज मच एज बाजीराव एंड काशी की जो काशी का जो प्यार था आई फील लाइक वो इतना छू गया मुझे ऑन सम लेवल एंड नॉट क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में बट जस्ट क्योंकि बिकॉज वो एक औरत का औरत की अहमियत उस औरत का प्यार उसकी अहमियत दिखाता है लोगों को कि कैसे उसने प्यार के लिए सैक्रिफाइस की अपने प्यार को उसने अपने प्यार के लिए किसी नॉट अपने जैसे आस्था का कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल मलाल में प्यार को लेके बहुत सेल्फिश है क्योंकि प्यार में वो खुल जाती है प्यार उसे असर करता है फॉर काशी फॉर दैट मैटर उसने प्यार को लाइक सैक्रिफाइस कर दिया अपने प्यार की खुशी के लिए उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस किया सो फॉर मी लव स्टोरी में आई थिंक बाजीराव और काशी का जो स्ट्रेंथ है उनके प्यार में वो मेरे लिए बहुत अच्छा था आई थिंक मेरे लिए यस बाजीराव एज वेल बिकॉज जो यू नो एक्चुअली इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड जिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो तीनों एक्टर्स ने दी है इन बाजीराव मस्तानी एंड जिस तरीके से फिल्म पर्दे पर आई है और जिस तरीके से गाने आए हैं जो पूरी नॉट जस्ट एक विजुअल एक्सपीरियंस बट ऑल्सो आपके दिल को ऐसे छू जाती है बिकॉज जो उनके किरदार हैं सब ने अपने अपने किरदार निभाए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो जो स्टोरी लिखी गई है जिस तरीके से उसका स्क्रीन प्ले है एंड यू नो कैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट द मूवी आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद बाजीराव मस्तानी एंड यू नो सबको बहुत बेहद पसंद आई है बट या बट संजय सर की एक्चुअली कोई भी फिल्म देखें तो मुझे सारी पसंद है बट या बाजीराव इज माई फेवरेट और केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर देखने के बाद लोग केमिस्ट्री को लेके बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप दोनों की तो पहली बार कैसे मिले थे सेट पर कैसे केमिस्ट्री बनी पहली बार हम लोग स्कूल में मिले थे मैं मोटी थी मीज़ान मेरा मजाक उड़ाता था और मीज़ान दैट इज नॉट ट्रू व्हाट डू यू मीन ओके अगर मैं मजाक उड़ा रहा था तो तुम्हें बुरा लगता था इस बात का तो फिर भी तुम दोस्त थी ना तो इन अ वेरी स्वीट वे मजाक उड़ाता था टू मोटिवेट बुरा तो लगता था यार व्हाटएवर यू डोंट थिंक फ्रेंड्स मेक फन एंड इट फील्स नॉर्मल पीपल रिएक्ट देन अगर बुरा लगता था हाउ कैन यू से हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट नहीं नहीं दिस इज रॉन्गली सेड आई नेवर मेड फन ऑफ हर दैट वे बट आई कांट से व्हाट यू सेड टू मी इन एन इंटरव्यू अदरवाइज आई वुड देन आई वुड हैव सेड व्हाट यू हैव आल्सो सेड टू मी इन थ्रू आउट दिस होल टाइम But anyway, it's been amazing the whole journey, and I feel that क्योंकि हम स्कूल में थे साथ साथ ना तो वो ही केमिस्ट्री एक्चुअली ट्रांसलेट हुई यू नो और वो नोक झोंक होते रहती है बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप और वो बाद में फिर जैसे अभी भी हम आर्ग्यू कर रहे हैं तो वो बाद में जाके फिर सॉर्ट आउट हो जाता है बिकॉज हम दोस्त हैं और हमने काफ़ी कुछ जिया है अपनी यू नो जो इम्पोर्टेंट पढ़ाव रहे ना हमारी ज़िंदगी में सम हाउ हम साथ में रहे हैं उन सब पढ़ाव में जैसे हम स्कूल में साथ थे फिर हम जब कॉलेज के टाइम पे थे तब भी साथ थे फिर उसके बाद जब हमने काम अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत की काम के थ्रू तब भी साथ में थे एंड या आई होप दैट यू नो आगे फ्यूचर में भी साथ में रहे एंड 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 इट जस्ट या आई एम सो ग्लैड कि एक दोस्त था मेरे साथ सेट पे सो जो मैं ये हमें हमेशा बोलती हूँ कि कम्फर्ट लेवल रहता है जो आप जिस जो अगर मैं नई एक्टर हूँ अपनी पहली पिक्चर कर रही हूँ एक मोमेंट होता है जब जिसको जो बंदा मेरे सामने खड़ा है अगर मैं उसको नहीं जानती हूँ तो उसका चेहरा मेरे लिए नया है तो मैं कभी कभी अपनी नज़र चुरा लूँगी बट जब लव सीन्स कर रहे हो जब रोमांटिक सीन्स कर रहे हो जब इमोशनल सीन्स कर रहे हो वो आपके पास वो छूट नहीं होती है अपनी नज़र चुराने की तो फैक्ट मीज़ान का चेहरा था मेरे सामने एक चेहरा जो मैं 7 साल से देखती आई हूँ एक चेहरा जो मुझे जिसके साथ मैंने झगड़ा किया है जिसके साथ मैंने वक्त बिताया जिसके साथ मैंने खाना खाया है जिसके साथ मैं पिक्चरें देखती हूँ वो चेहरा जब मेरे सामने आता है और उस चेहरे के साथ मुझे बात करनी पड़ती है इन एनी कैपेसिटी आई फील लाइक वो एक बहुत कंफर्टिंग चीज़ होती है फिर वो नज़र चुराना नहीं होता है सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारे परफॉर्मेंसेस को बहुत हेल्प किया और बहुत मदद की कि हम लोगों एक दूसरे को जानते हैं प्लीज जाके थिएटर में देखिए मलाल वरना अगर आपकी जिंदगी में कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसके साथ देखिए अपने परिवार के साथ देखिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये पिक्चर देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके प्यार में मलाल नहीं रह जानी चाहिए और अगर रह भी गई है तो आप उसको ओवरकम करने के बारे में सोचोगे उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे और अपनी प्यार की अहमियत क्या होती है राइट थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस ऑल द बेस्ट जो विजुअल्स कर यस
They discussed it with me.